हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम जीएफजी का प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो है चेक इफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, देन उसके बाद सोल्यूशन और एल्गोरिथम की हम बातें करने वाले हैं। तो एक हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो आपको सबसे पहले इनपुट में क्या लेना है, एक लिंक लिस्ट लेना है। ठीक है, आपको एक लिंक लिस्ट ले लेना है इनपुट में। ठीक है, अब आउटपुट में आप दो वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, जीरो या वन। तो अब आपको ये देखना है कि जीरो किस टाइम पे आउटपुट में देना है और वन किस टाइम पे देना है। ठीक है, हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, एक पहला हम लिंक लिस्ट लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, एक इनपुट में हमने ये लिंक लिस्ट ले लिया। दूसरा इनपुट में हम लिंक लिस्ट क्या लेने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 5 है ये नल को ना पॉइंट करके 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या देना है, ये देखो, ये जो है ये एक लीनियर लिंक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सर्कुलर नहीं बन रहा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला हमारा नोड है, ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वहां पे आप सिंपली देख सकते हो कि इसके नाम से ही पता चला आपको, चेक इफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्या ये जो लिंक लिस्ट है ये सर्कुलर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आपको यहाँ से पता चला कि ये तो लीनियर है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट में कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इनपुट है ये 1 से 2, 2 से 3, 4 एंड 5, देन यहाँ पे देखो ये एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो ये ऐसे लिंक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है वो आपको समझाते हैं। जो हमारा लास्ट वाला नोड होता है ये नल को ना पॉइंट करके जो हमारा पहला वाला नोड है इसको पॉइंट करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या देना है, 1 देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलिए अब हम अप्रोच पे बातें कर लेते हैं कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हम कोई नंबर नहीं लेने वाले हैं, सिंपल हमने एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दो नोड बना दिया और इसे यहाँ पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसे हमने बोल दिया हेड। ठीक है, ये तो हेड होता ही है, और एक नया पॉइंटर हमने बना दिया टेम्प नाम का। ठीक है, तो जो हमने नया पॉइंटर बनाया टेम्प नाम का वो कहाँ पे है, तो हम ये पॉइंटर बनाएंगे नोट स्टार टेम्प इक्वल टू, टेम्प हमारा कहाँ पे पॉइंट करा, हेड के नेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड का नेस्ट। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, लूप चलाने वाले हैं और हम यहाँ पे करने वाले हैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक हमारा टेम्प नल के इक्वल नहीं आ जाता है तब तक ये लूप चलना है। ठीक है, एंड एक और कंडीशन हम देने वाले हैं, हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू हेड होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो हमारा टेम्प है वो हेड के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और नल के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तक हमें ये लूप को चलानी है। ठीक है, और तो लूप के अंदर आपको क्या करना है, आपको टेम्प को बढ़ाते रहना है। ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लूप से बाहर आते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो टेम्प है वो इक्वल टू नल हो गया हो तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, या जो हमारा टेम्प है वो इक्वल टू हेड हो गया हो तो हम टेम्प से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ टेम्प इक्वल टू हेड, अगर हमारा टेम्प हेड के इक्वल हो जाता है उस टाइम पे हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है 1 को। ठीक है, मतलब जो हमारा टेम्प है वो अगर हेड के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा लिंक लिस्ट है ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, एक हम बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 नोड हमने बना दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए हमारा हेड यहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, टेम्प हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो टेम्प है नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, ये कंडीशन सही हो गई, जो हमारा हेड ये है टेम्प है वो नॉट इक्वल टू हेड है, ये भी कंडीशन सही हो गई। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टेम्प आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया। ठीक ना, अब यहाँ पे हमारा टेम्प आ गया, उसके बाद फिर से लूप में टेम्प नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, सही है, ये भी कंडीशन। देन उसके बाद टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है, टेम्प हेड के इक्वल नहीं है, हेड तो यहाँ पे है, टेम्प यहाँ पे है, तो ये भी कंडीशन सही हुई, मतलब ये फिर से चलेगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा टेम्प कहाँ पे आ गया, टेम्प हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, ये कंडीशन भी सही हो गई। देन उसके बाद टेम्प इक्वल टू हेड है, तो टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है, देखो हमारा जो टेम्प है, ठीक है, वो यहाँ पे हेड यहाँ पे है, तो ये भी कंडीशन सही हो गई, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड। तो हम फिर से इसमें आ जाएंगे और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो टेम्प है वो इस पे आ जाएगा अब। ठीक है, हमारा टेम्प यहाँ पे आ गया ना, अब फिर टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, ये भी सही हो गई कंडीशन। टेम्प इक्वल टू हेड है क्या, तो टेम्प नॉट इक्वल टू हेड है। ठीक है, हमारा टेम्प यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, तो टेम्प नॉट इक्वल टू
टू हेड है, मतलब ये भी कंडीशन सही हो गई, ठीक है। तो फिर हम इसमें आ जाएंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा जो टेम्प है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे टेम्प हमारा यहाँ पे आया और हेड हमारा यहाँ पे है, तो अब कंडीशन पे फिर जाओ कि हमारा जो टेम्प है ठीक है वो तो यहाँ पे है, तो हमारा जो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये कंडीशन सही हो गई, टेम्प हमारा नल के इक्वल टू नहीं है, लेकिन टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, ठीक है, लेकिन हमारा टेम्प इक्वल टू हेड है, ठीक है। तो हमारा टेम्प इक्वल टू हेड है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड होना चाहिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, तो एक कंडीशन ट्रू हुई दूसरी फॉल्स हो गई, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। आपको एंड में पता है ना, वन एंड जीरो होता है, तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ पे ये फॉल्स हो गई, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, लूप से हमने बाहर आ गए, ये कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम बाहर क्यों आए, ठीक है। लूप से बाहर आने का दो कंडीशन हो सकता है, पहला टेम्प इक्वल टू नल हो गया हो, ठीक है, उसे भी हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो इफ टेम्प इक्वल टू नल, ठीक है, हमारा जो टेम्प है वो अगर नल के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रिटर्न कर देना है जीरो। तो आइए समझाते हैं आपको। तो ये जो हम लूप से बाहर आए, ठीक है, तो उसके बाद हमारा टेम्प कहाँ पे हो सकता है, या तो टेम्प की वैल्यू नल हुई होगी इसलिए हम बाहर आए होंगे, या टेम्प की वैल्यू हेड हुई होगी इसलिए बाहर आए होंगे, ठीक है। तो अगर टेम्प इक्वल टू हेड होने के बाद हम बाहर आए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्कुलर लूप प्रेजेंट है, ठीक है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो हमने रिटर्न करा दिया वन। अब जो हमारा नल आएगा, टेम्प इक्वल टू नल होगा, उसके कारण अगर हम बाहर आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। आइए यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल लेके और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। वीडियो भले लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये नल को पॉइंट करा है यहाँ पे, ठीक, हमारा हेड यहाँ पे है, ठीक है, हमारा टेम्प यहाँ पे है। अब देखो, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन सही हो गई, ठीक है, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, ये भी कंडीशन सही हो गई, हम इसमें आ गए, ठीक है, हमारा टेम्प आ गया यहाँ पे, हमारा टेम्प कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब यहाँ से हट गया, हमारा टेम्प यहाँ पे है। अब देन उसके बाद क्या होगा, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है, और फिर उसके बाद टेम्प नॉट इक्वल टू हेड, ये भी कंडीशन सही हो गई, तो हमारा टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा जो टेम्प है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, नल पे आ गया। देन उसके बाद फिर से हम लूप में जाएंगे, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, लेकिन टेम्प क्या है, इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, हम लूप से क्या हो गए, बाहर निकल गए। लूप से बाहर निकलने के बाद हमने क्या देखा कि टेम्प इक्वल टू हेड है, ठीक है, नहीं है, तो ये वाली को कंडीशन फेल हो गई। देन उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इफ टेम्प इक्वल टू नल है, तो बिल्कुल हमारा जो टेम्प है वो इक्वल टू नल है, तो हमने रिटर्न करा दिया जीरो, मतलब हमारा जो ये इनपुट है ये क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दो हम यहाँ पे एज केस देखने वाले हैं कि अगर हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी लिंक लिस्ट, हमें इनपुट में कुछ लिंक लिस्ट मिला ही नहीं, तो हमको क्या रिटर्न करा देना है, जीरो, ठीक है, हम जीरो दे देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्या देखने वाले हैं कि मान लो हमें एक ही नोड मिला, ठीक है, इनपुट में हमें बस वन मिला, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इनपुट है, ठीक, वन मिला, तो अगर ये इनपुट नल को पॉइंट कर रहा उस टाइम तो हमें रिटर्न करा देना है जीरो, ठीक है, तो ये लिनियर लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर जो ये वन है ये अब इसे ही पॉइंट कर रहा, वन को ही पॉइंट कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करा देना है, वन को, ठीक। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ तो चलिए अब हम अपना कोड लिख के देखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको कोड समझ में आ जाएगा, और ये कोड हम C++ में लिखने वाले हैं। आपको अगर एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा, अप्रोच समझ में आ गया होगा, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कोड कर सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले हमें जो अपना एज केस था, ठीक है, कि हमारा हेड इक्वल टू नल हो जाता है, मतलब हमें एम्प्टी लिंक लिस्ट मिल जाती है, तो उस टाइम पे हमें रिटर्न करा देना है जीरो, ठीक है। नाउ उसके बाद हमने क्या किया था, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड है वो कैपिटल में एन है, ठीक है, तो नोड स्टार टेम्प, ठीक है, तो एक टेम्प नाम का हमने क्या कर लिया, पॉइंटर बना लिया, जो कि पॉइंट करा हेड के नेक्स्ट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने ये पीछे देख लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, व्हाइल लूप एक हमने चला दिया था, ठीक है, जिसमें टेम्प नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है, तब तक ये चलेगा, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन हमने क्या लगाया था कि जो हमारा टेम्प है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू हेड होना चाहिए, ठीक है, हेड, ठीक, हेड हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि जो हमारा टेम्प है वो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक। देन उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम बाहर आ गए थे लूप से, और हमने क्या चेक किया था, हमने चेक किया था जो हमारा टेम्प है वो इक्वल टू अगर हेड होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करो, उस टाइम पे आपको रिटर्न कर देना है वन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर लिंक लिस्ट ये है, ठीक है।
अगर देन उसके बाद आपको क्या कर देना है कि अगर हमारा जो टेम्प है वो इक्वल टू हेड नहीं होता है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा टेम्प है वो इक्वल टू नल हुआ होगा, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है जीरो। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अपना जो कोड है इसको कंपाइल करते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो हमारा कोड यहाँ पे जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ गया है। ठीक है, कंपाइल करने पे अब सबमिट करके देखते हैं, अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो कंग्रेचुलेशन, आपने आज एक नया प्रोग्राम बना लिया, तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, और जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी 100% है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए, कोडिंग के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है, चीजों को जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।